हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने बहुत सी एक्टिविटी आपको सिखा चुके हैं। इस बार हम कुछ नया सीखेंगे। हम अल्फाबेट के थ्रू ड्राइंग करना सीखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख लेंगे कि क्या मटेरियल लगेगा, फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो मटेरियल है, ये ड्राइंग शीट है, इस तरह की A4 साइज की ड्राइंग शीट, स्केच कलर, पेंसिल, और हम एक स्केल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, शीट लेना है और ब्लैक स्केच कलर से हम इसको बॉर्डर कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ हम लाइन कर देंगे। ये बॉर्डर करने के बाद हम इसको ना बीच में से एक लाइन करके इसका दो पार्ट कर देंगे। हम एक शीट पे दो ड्राइंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस पे ड्राइंग करेंगे। अल्फाबेट तो हर किसी को पता ही है। फर्स्ट हम बी लेटर से ड्राइंग करेंगे। एक बड़ा बी बनाना है। ये बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज का पिक्चर बना रही हूं। बी, ठीक है। फिर इसका बिक बनेगा, यहाँ आईज, और ये अंदर की तरफ फेदर इस तरह से बैक साइड में, है ना। ये क्या बन गया बी लेटर से, बर्ड। तो अभी हम इसको कलर करेंगे। पहले हम लोग है इसको आउटलाइन कर लेंगे। पहले पूरा आउटलाइन कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर कलर करेंगे। ये आउटलाइन करके हो गया, अभी इसको हम कलर करेंगे। तो ये फेस पे मैं येलो कलर कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हो। ये फेस पे और इसके बॉडी पे मैं येलो कलर कर रही हूँ, फिल करना है। और ये फेदर पे ना हम ऑरेंज कलर करेंगे, यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। ये कलर करके हो गया है, और हम अभी इसके बिग पे ना ब्राउन कलर कर देंगे। ये हमारा बर्ड रेडी हो गया है। अब हम दूसरे अल्फाबेट से कुछ बनाएंगे। सेकंड हम एक्स लेटर लेते हैं, एक्स। मैं स्केल का यूज कर रही हूँ। एक्स बनाएंगे और हमें ये पॉइंट को, लाइन को ज्वाइन करना। बनाने के बाद ऊपर वाले लाइन को ज्वाइन करना है नीचे, और यहाँ से थोड़ा सा सर्कल शेप में लेना है, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे राउंड में लेना है ऐसे। फिर यहाँ ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा घुमा के, अब ये पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बना है। ये एक्स के, एक्स से हमने पाइनएप्पल बनाए हैं। सेम इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लाइन करके पूरा ये इस तरह से क्रॉस में लाइन कर देंगे, और इस तरह से बॉक्स बना देंगे क्रॉस में। तो ये एक्स लेटर से हमने पाइनएप्पल बनाया। अभी हम इसको कलर करेंगे, पहले आउटलाइन कर लेंगे जिस तरह से हमने बनाए हैं। ब्लैक कलर से हम आउटलाइन कर लेंगे पूरा।
फिर हम अंदर कलर फिल करेंगे। ये मैंने आउटलाइन कर लिया है, अब हम इसमें कलर करेंगे। तो ये अंदर की तरफ सारे बॉक्सेस में मैं येलो कलर करूंगी और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर करना है और अंदर येलो कलर फिल करना है। ये हमारा पाइनएप्पल कलर करके रेडी हो गया है। अब हम किसी दूसरे लेटर से ड्राइंग करेंगे। सेम हमें दूसरा शीट लेना है और उसे ऐसे बॉर्डर कर लेना है और फिर हम इस पे एस लेटर से हम ड्राइंग करेंगे, एस लेटर से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बड़ा सा एस बनाना है इस तरह से और ये हम डग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एस बनाए और ये वाला पार्ट थोड़ा हम ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सी यहाँ क्रॉस करेंगे और इसको ऐसे अंदर की तरफ लाएंगे। और अब हम इसका फेस बनाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सर्कल करना है और इसको एक राउंड देके यहाँ नीचे की तरफ से लाके यहाँ पे जॉइंट कर देना, ये इस तरह से फेदर का शेप देंगे। इसका बिक बनाएंगे, आईज बनाएंगे और पानी का हम थोड़ा सी ऐसे जिगजैग पानी का शेप कर देंगे। अभी से हम आउटलाइन करेंगे ब्लैक, फिर आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर कर सकते हो। ये इस तरह से आउटलाइन कर लिए, अब हम कलर करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका ये पिंक कलर कर रही हूँ, ये वाले पार्ट को पूरा पिंक करेंगे। आपको जो भी पसंद है ना, आप कोई भी कलर से कर सकते हो। तो इस तरह से इसको पिंक कलर फिल कर दो, एक ही स्ट्रोक में लेके जाना है। अगर आप ऐसे लाइन कर रहे हो ना, तो इसी तरह से सीधा सीधा ही लाइन करना है। इसको पिंक करने के बाद यहाँ पे हम येलो कलर करेंगे। पूरे शेप को हम येलो कलर से फिल करेंगे। ढक में हमने कलर फिल कर लिया, अभी ये पानी का शेप हम इस तरह से ब्लू कलर से दे देंगे, इस तरह से इसे जिगजैग बना देंगे पानी का। अभी हम एक नए लेटर से ड्राइंग करेंगे, तो हम वी लेटर लेते हैं, वी लेटर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी बना लेंगे एक बड़ा और ये वाले लाइन को ऊपर से ज्वाइन कर देंगे और फिर ऊपर इस तरह से। तो अभी आपको समझ में आ गया ये क्या है, ये कोन आइसक्रीम है ना। बहुत इजी है, हम कोई भी लेटर से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या ड्राइंग करें। ऊपर एक चेरी रखते हैं, ठीक है। अब इसको सेम इस तरह अंदर इसमें बॉक्स बना, ये कोन को हम ब्राउन कलर से करेंगे आउटलाइन। ये कोन में हम है ना ऐसे छोटे छोटे बॉक्स कर देंगे इस तरह से। फिर हम ऊपर इसको येलो कलर करेंगे,
चेरी हम यहाँ पे रेड कलर की चेरी कर देंगे। ठीक है, और इससे ये आइसक्रीम को हम पूरा येलो कलर से फिल कर देंगे। पहले ब्लैक आउटलाइन दे देंगे इसको। ये हमारा आइसक्रीम कलर करके रेडी हो गया। तो है ना बच्चों, बहुत ही इजी है बनाना। आप कोई भी अल्फाबेट से थोड़ा सी सोचकर कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। तो मैंने ये कुछ किया है अल्फाबेट, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पी लेटर से हैंड फ्लैग बनाया है, एफ लेटर से फ्लैग, ये क्यू लेटर से मैंने कैट बनाया है, W लेटर से क्राउन, और ये A लेटर से हैट, काइट, और ये तो मैंने आपको सिखाया ही है। ओके बच्चों, थैंक यू।